हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम जीएस थ्रू आंसर राइटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमारा 71वां दिन है जिसमें हम एक प्रश्न के माध्यम से जीएस पेपर 4 का आपने देखा होगा सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन और उसके माध्यम से हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे ब्लू डॉट नेटवर्क। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत में आए थे और उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत उस समय सहमति जताया था कि ठीक है हम भी इसमें शामिल होंगे। तो आज हम देखेंगे कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है। इसके अलावा जब इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो हम देखेंगे कि लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो प्रश्न है ये हमने अपने डेली आंसर राइटिंग का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम इसमें दिया था और लोगों ने कॉमन मिस्टेक्स की थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लोगों ने कंटेंट सारा लिखा था लेकिन स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन से भटक के कर दी थी, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम थी। हालांकि कई लोग सही भी कर रहे हैं, तो लगभग मैंने 20 कॉपी देखी तो 20 कॉपी में से 3 से 4 लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पकड़ा था कि एग्जैक्टली ये लिखना है, लेकिन उन लोग का थोड़ा कंटेंट में कमी था। बाकी जो 16 लोग थे उन 16 लोगों ने कंटेंट अच्छा लिखा था लेकिन कॉन्टेक्स्ट से भटक गए थे, वाकई में क्या डिमांड है ये काम वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो आंसर लिखे गए हैं वो क्या थे, रटे रटाए थे कि जैसे सबको एक बात रटी आती, मैंने कॉमन देखा सबको एक बात रटी आती कि ये BRI को काउंटर करेगा और ये पॉइंट सबने लिखा था। लगभग जितने चीज़ें हैं सबने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा ये पॉइंट सबने लिखा था। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे करते हैं। और हमारा आपको बता दूं कि जो 2020-21 की जो UPSC और UPPCS एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए भी हमारा उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम चल रहा है और आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उसकी विशेषता दी हुई है। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 बैच हैं हमारे पास और ये दोनों बैच हैं, दोनों की फ़ीस ये आपके सामने है और ये जो नंबर दिया हुआ है 7068110388 या फिर ये नंबर 9711143850 इस पर आप कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, UPPCS के लिए हम स्पेशल बैच अलग से चला रहे हैं। तो सीधे हम प्रश्न पे आते हैं और ये जो प्रश्न है आपको तभी समझ में आ जाएगा जो कि हमारा जो कंटेंट है, जो आंसर राइटिंग का कंटेंट है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम बैच हमने बनाया पेड ग्रुप, वो किस तरह का होगा वो यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पता चलते रहेगा। और मैं एक और सूचना बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके लिए भी यही कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डेली कोशिश करेंगे उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो हमारे 4 बैच हैं उसमें से एक क्वेश्चन हम यूट्यूब पे डिस्कशन डेली करते रहेंगे। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस होती रहेगी, उनकी भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, हालांकि हम सारे क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सीधे करते क्वेश्चन, ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, प्रश्न आपके सामने, ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, भारत के लिए इसके महत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि भारत के लिए इसके महत्व का आपको आकलन करना है। ठीक है, ब्लू डॉट नेटवर्क, और ये UPPCS में 125 शब्द में ही पूछा जाएगा, UPSC में आएगा तो 150 शब्द कर लीजिए इसको, बस यही अंतर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको 2 पार्ट हैं प्रश्न के, एक कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है ये बताना है, भारत का इसके लिए महत्व ये बताना है। अब आप खुद समझिए कि आप क्या स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, आपको कितना क्या लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में आप सीधा बताइए कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, क्यों यार 125 शब्द का ही है और 150 शब्द का ही है, तो अगर आप ब्लू डॉट नेटवर्क समझाने में 30-35 से 40 शब्द ले जा रहे हैं तो ये जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपके पास लगभग 80 शब्द बचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आप कंक्लूजन भी लिखेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट शुरू कर दीजिए ब्लू डॉट नेटवर्क बनाने के लिए, न कि आप कुछ इसका बैकग्राउंड देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बता दीजिए कि हाँ ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक दो जो कॉमन मिस्टेक्स की गई थी वो क्या की गई थी कि ऐसे लिखा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप आए भारत में। देखिए, कभी आपको ट्रंप नाम नहीं लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में है। पहली बात तो ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो रही है एग्जामिनेशन में कि आप लोग अभी भी नाम लिख रहे हैं। ठीक है, नाम से आपको किसी को संबोधित नहीं करना है, आपको ये लिखना है वो राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए, ना कि ट्रंप होने की वजह से भारत आए। ठीक है, तो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति लिखना है क्लियर, अगर आप लिख रहे हैं तो। पहली बात तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो मिस्टेक्स है, लोगों ने इंट्रोडक्शन में डेट्स लिखे हैं कि 4 नवंबर को आसियान की बैठक में पता नहीं क्या क्या ऐसे करके शामिल ऐसा डिस्कशन हुआ है ना, इसकी शुरुआत की गई। यार ये चीज़ें आवश्यक नहीं है, आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बात समझिएगा। आप सीधे कॉन्सेप्ट पे जाइए कि है क्या। सीधे अगर मैं बताऊं एक बार ब्लू डॉट नेटवर्क, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ब्लू डॉट नेटवर्क वाकई में है क्या और आपको वाकई में लिखना क्या है। तो एक बार ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये समझिएगा, ब्लू डॉट नेटवर्क सिंपल सा एक प्रमाणीकरण योजना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये अगर एक सिंपल सी मैं बात करूँ, ये आपका
इंडियन ओशियन रीजन है अगर, ठीक है, ये इंडियन ओशियन रीजन है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, इंडो पैसिफिक में, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का ये क्षेत्र है आपके सामने, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, यहां पे जितनी वैश्विक परियोजनाएं चल रही है, मतलब एक देश दूसरे देश में जो भी परियोजनाएं लगा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा इस क्षेत्र में चीन खूब ढेर सारी परियोजना लगा रहा है, देखेंगे आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन ने शुरू किया है, ठीक है, चीन ने यहाँ पे मलक्का पे आप देख रहे होंगे, मलक्का के बगल में मलेशिया वहां पे क्रा कैनाल निकाल रहा है, क्रा कैनाल, ठीक है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा भारत के पूरे चारों ओर भारत में क्या कर रहा है, चीन मोतियों की माला बना रहा है, डेप ट्रैप में लोगों को फंसा रहा है, तो ये सब काम चीन कर रहा है। तो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये प्रमाणीकरण योजना है, ये लोगों को बताएगा, ये चीजों को समझाएगा, ये बताएगा कि ये जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो विश्व के एक देश दूसरे देश में लगा रहे हैं, ये पर्यावरणीय रूप से सतत हैं, ये बताएगा, ये डेप ट्रैप में नहीं फंसाएंगे आपको, इसकी मतलब आर्थिक रूप से व्यवहार्यता है इसकी, ये बताएगा, ठीक है, ये परियोजनाएं आपकी संप्रभुता का हनन नहीं कर रही हैं, मानवाधिकारों का हनन नहीं कर रही हैं। तो अगर ब्लू डॉट नेटवर्क वाला आपको प्रमाणीकरण मिल जाएगा, अगर ब्लू डॉट आपको मिल जाएगा, मतलब आपकी परियोजनाएं इन सभी मानकों पर खरी उतर रही हैं, केवल यही योजना है, इसमें कोई कैश नहीं दिया जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो कई लोग ने ये लिखा कि इससे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, भाई कैसे वृद्धि होगी जब इन्वेस्टमेंट दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसमें, कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं लगाया जा रहा है इसमें, क्या है, सब चीजें अलग अलग की जा रही हैं, इस बात को समझिएगा, केवल एक प्रमाणीकरण योजना है, नथिंग एल्स, इससे बढ़के कुछ नहीं है। अब हम जब लिखेंगे कि भारत के लिए, देखिए तो केवल मैं इंट्रोडक्शन में यही चीज बताऊंगा कि एक प्रमाणीकरण योजना है जो बताएगी, कुछ कुछ काम करेगी, ब्लू डॉट नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे भारत के लिए महत्व, ठीक है, तो भारत के लिए महत्व का जब आपको आकलन करना है तो आपको इस बात को समझना होगा कि भारत के लिए इसके महत्व व्यापक तौर पे होंगे। जैसे अगर मैं यहीं पे एक बार बताऊं तब जाके हम सीधे डायरेक्ट वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हाँ ये बार मैं सीधे ये बात बताऊं उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मान लीजिए भारत के लिए महत्व बताना है तो देखिए एक बात ये समझिएगा, ये प्रमाणीकरण दे रहा है, ब्लू डॉट नेटवर्क एक प्रमाणीकरण दे रहा है, भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, यानी भारत जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क का प्रमाणीकरण, इस बात को समझिएगा, इसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा ब्लू डॉट नेटवर्क का प्रमाणीकरण। चीन की परियोजनाएं काफी शोषणकारी हैं, इसको ये प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं होगा, इस आधार पे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा, न कि सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, आप समझिएगा, इन्वेस्टमेंट देश अपना अलग अलग ही करेंगे, भारत की जितनी औकात है भारत उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे भारत को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, बस फायदा क्या हो जाएगा कि भारत को एक प्रमाणीकरण मिल जाएगा, तो जो देश है, देश के जो लोग हैं, जो वहां की जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनको ये बात क्लियर पता चल जाएगी कि जो चीन की परियोजनाएं वो शोषणकारी हैं, जबकि भारतीय परियोजनाएं जो भारत शुरू कर रहा है या फिर जो अन्य देश इस क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं, जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये लोग जो परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं वो लोग शोषणकारी नहीं है, तो उनके पास एक विकल्प मिल जाएगा। आप ये बात लिखेंगे कि विकल्प के आधार पर वो BRI का क्या कहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, प्रतिसंतुलित करेगा। लोगों ने सीधे लिख दिया कि BRI को काउंटर करेगा, भाई कैसे काउंटर करेगा, मैं क्या सोच सकता हूं, ठीक है, तो ऐसे आधी बातें नहीं लिखनी है, वहां पे आपको एक लाइन दो लाइन का एक्सप्लेनेशन आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इस बात को समझिए, ब्लू डॉट नेटवर्क का प्रमाणीकरण आपको मिल गया तो इससे भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है डेवलप, जैसे कई लोगों ने लिखा कि BRO डॉलर बेट ओल्डी में आसानी से रोड बना पाएगा, भाई ये सब जो रोड वोड है ये हम ब्लू डॉट नेटवर्क का प्रमाणीकरण नहीं भी मिलेगा तो हम बनाएंगे, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, ये हमारी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा, इन दोनों का बड़ा मुद्दा है, इससे हम किसी से पूछने थोड़े ना जाएंगे कि हमको ब्लू डॉट नेटवर्क चाहिए, इसका हमको डॉट चाहिए, हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, भारत का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तब भी हम बनाएंगे, हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता की बात आ जाएगी, इस बात को समझिएगा। ऐसे आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं जो बम के गोले का काम करें, ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि भारत आसानी से दौलत बेग ओल्डी में सड़क बना पाएगा, भाई भारत ही है वो, हमारे भारत का हिस्सा है, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। अब हम सीधे देखते हैं कि किस तरीके से महत्व लिखेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं कि ब्लू डॉट नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, तो अभी जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये शामिल है, इंडिया शामिल हो जाएगा, ठीक है, यही लोग मिलके तो क्वाड भी बनाते हैं, तो मान लीजिए अगर इंडिया शामिल हो जाएगा तो क्वाड को एक क्षेत्रीय आयाम मिल जाएगा कि नहीं, क्वाड को एक नया आयाम मिल जाएगा एकजुट होने का, तो वो बात आप बताएंगे। और क्वाड को हम कैसे लिखते हैं, देखिए मोदी जी जब गए थे तो जब भारत, जब जापान, अमेरिका, इंडिया का जब वो हो रहा था, मीटिंग हो रही थी और मालाबार साइज होता है, तो मोदी जी बोलते हैं ये जय है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ये जय है
है ना, जय मतलब जापान अमेरिका इंडिया, ये है। और अब हो जाएगा अजय, है ना, अजय अजय या अजय जो चाहिए वो लिख लीजिए, है ना, अजय अजय सेम चीज होती है, बहुत अंतर नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा तो ये जय अजय बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हैं कि चीजें क्या है। तो क्वाड भी हो सकता है क्वेश्चन रिलेटेड इससे पूछते। अब हम सीधे चलते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, जैसे प्रीलिम्स में ऐसे ऑप्शन बना सकता है कि यह सीधा इन्वेस्टमेंट करेगा, ब्लू डॉट नेटवर्क सीधा इन्वेस्टमेंट करेगा वैश्विक परियोजनाओं में। तो आपको ध्यान रखना है ये सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या कर रहा है, वो आप केवल प्रमाणीकरण योजना, बस इतना समझिएगा, ठीक है, केवल प्रमाणीकरण योजना, नथिंग एल्स। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो आप देखिए मैं बता देता हूं सीधे क्या है, यह पढ़ देता हूं आंसर, मैंने क्या लिखा किस तरीके से लिखा। ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिकी नेतृत्व में वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज आधारित बहुहितधारक पहल है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में सिंपल डायरेक्ट बताया अमेरिकी नेतृत्व का है, मानकों को बढ़ावा दे रहा है कि वैश्विक अवसंरचना विकास के लिए जो मानक है उच्च मानक, ठीक है, उच्च मानक किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं, पर्यावरणीय, ठीक है, मानवाधिकार, इससे रिलेटेड चीजें हो सकती है, अभी हम देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके लिए क्या कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए सरकारें निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज को एक साथ एक मंच पे ला रहा है। सिंपल सा यही है ब्लू डॉट नेटवर्क। इसका मुख्य कार्य क्या होगा, परियोजनाओं का टिकाऊ एवं शोषणकारी के रूप में वर्गीकरण, यानी परियोजनाएं टिकाऊ हैं, आप चाहें तो ये लिख दें कि पर्यावरणीय, यहां पर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्यावरणीय, जो मैंने बताया मानवीय रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से व्यवहार है कि नहीं है, तो परियोजनाएं इस रूप से टिकाऊ है अथवा शोषणकारी है इसके रूप में वर्गीकरण करेगा, अर्थात यह ऋण की पेशकश नहीं करेगा, मैंने सीधे बताया इसका काम यही है, केवल वर्गीकरण, केवल क्लासिफिकेशन इसका काम है। अब भारत के लिए महत्व, सीधे हम आ जाते हैं, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लिखेंगे, भारत के लिए महत्व लिखेंगे। तो पहला चीन पर अंकुश, देखिए मैंने भी लिखा है चीन पर अंकुश, लेकिन लॉजिकल वे में आंसर लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग करते हुए आंसर लिखने, केवल ये नहीं लिखूंगा कि चीन पर अंकुश लगाएगा, क्वाड के साथ सहयोग बढ़ाएगा, थोड़ा चीजें समझा के बताना है, चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या लिखा, ब्लू डॉट नेटवर्क चीनी परियोजनाओं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शोषणकारी एवं पर्यावरणीय विनाशक प्रकृति को उजागर करेगा, जिससे चीनी परियोजनाओं में जवाबदेही का दबाव पड़ेगा। तो चीन को, चीन के ऊपर दबाव पड़ेगा, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि चीन के ऊपर प्रेशराइज, वो प्रेशराइज होगा कि यार वो भी अपनी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाए, ठीक है, नहीं तो लोग जो देश हैं वो अल्टरनेटिव खोज लेंगे, ठीक। अब मैंने क्या किया, बना दिया इंडो पैसिफिक का डायग्राम, ठीक है। अब देखिए कई लोगों ने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था मैप, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने मैप बनाए थे, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने इंडो पैसिफिक दिखाया, वेरी गुड, केवल इंडो पैसिफिक दिखा के आपका काम नहीं होगा, ठीक है, कि इंडो पैसिफिक दिखाना बहुत ईजी चीज है, आपको क्या करना है, साथ में एक BRI परियोजना, देखिए बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है मैंने दिखाया ऐसे, आपको ये भी साथ में यहाँ पर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हो सके तो आप एक छोटा सा मैप चाहें तो बगल में इसी को जूम कर दें, ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं एरो करके, ठीक है, ताकि जूम हो जाता है, और हम क्या करते हैं ये इंडिया बना देते हैं बगल में और दिखा देते हैं मोतियों की माला, ठीक है, ये मोतियों की माला, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का ही पार्ट है। तो आप दो तरीके से इसमें मैप बना सकते हैं, कि इंडो पैसिफिक बनाएं, अंदर BRI दिखाएं, प्लस जूम करके इंडिया को भी दिखाएं। तो ये तरीका है मैप करने का, ये तरीका है चीज़ों को बताने का। तो मैंने क्या किया, जूम करके नहीं बताया, मैंने सीधे ये बता दिया डॉट 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 मोतियों की माला, हालांकि वो जो डॉट डॉट है वो बहुत छोटा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तब आपको दिख जाएगा, ये डॉट यहाँ पे मैंने बना रखा है, मोतियों की माला यहीं पे दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैप बनाना है, इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र एवं BRI मैंने मैप का नाम डाल दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की क्या है, और ये दिखा दिया कि ऐसे लाइन रहेगी, मतलब सिंपल लाइन है तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और डॉटेड लाइन है मतलब मोतियों की माला है। इस तरीके से मैप हम बनाते हैं, इस तरीके से डायग्राम्स यूज करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। अब मैं क्या बताऊंगा, दूसरा पॉइंट बताऊंगा भारत के लिए महत्व क्या है। तो भारत के लिए महत्व, क्वाड का नया रूप या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग हेतु बने क्वाड अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के संबंधों में नया आयाम होगा। क्यों, क्योंकि ये लोग भी ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल हैं, तो ये बात समझिएगा। आर्थिक महत्व क्या है, भारतीय परियोजनाओं की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय निवेश एवं सहयोग में वृद्धि होगी, उदाहरण के तौर पर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो इसको बारे में आपको पता होगा, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जापान और इंडिया की संयुक्त पहल है, ठीक है, जापान और इंडिया की संयुक्त पहल है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी विकास के लिए। ये क्या है, आपकी संयुक्त पहल है जापान और इंडिया के बीच, ठीक है।
और क्या होगा, ब्लू डॉट नेटवर्क जब प्रमाणीकरण मिलेगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारतीय निवेश में वृद्धि होगी, लोग सोचेंगे सही बात है हम इंडिया से इन्वेस्टमेंट क्यों ना कराएं, ठीक है, क्योंकि अब इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट तो कर दे, लेकिन इंडिया के पास पैसे नहीं है तो पैसे कौन देगा, इंडिया का दोस्त जापान, तो जापान और इंडिया मिलके क्या करेंगे, ये मिलके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि महत्व तो है लेकिन सब चीज़ इतनी अच्छी अच्छी नहीं होती हैं। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, आज आपको एक चीज़ और समझनी है कि अगर प्रश्न आता है, सीधे ऐसा प्रश्न आता है कि महत्व का आकलन कीजिए, लिखा नहीं है प्रश्न में, लेकिन आपको समझना है कि प्रश्न की डिमांड है कि आपको चुनौतियाँ भी बतानी है, ठीक है, ये आपको बताना है चुनौतियाँ अति संक्षिप्त, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चरिंग की है, आप शुरू में देख सकते हैं स्ट्रक्चरिंग क्या है, सीधा ब्लू डॉट नेटवर्क बताइए इंट्रोडक्शन में, मुख्य भाग का पहला पार्ट है महत्व बताइए, क्योंकि बोल भी रहा है महत्व का आकलन कीजिए, ठीक है, आकलन यानी असेसमेंट की बात कर रहा है, इस बात को समझिएगा, असेसमेंट मतलब जब आप किसी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, साथ में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी, जो बाधाएं हो सकती हैं, जो चुनौतियां हो सकती हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएंगे, और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, किस तरह से इन बाधाओं को कम किया जा सके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में हो लेकिन हो अवश्य, तो आप देखेंगे मैंने बहुत शॉर्ट में 15-20 शब्दों में लिख दिया, चुनौतियां सीधे फ्लो डायग्राम से लिख दिया कि चीनी चेक डिप्लोमेसी, भाई उनके पास बहुत पैसा है चीन के पास, मैंने ये बताया, अमेरिकी विश्वसनीयता का संकट है कि आप ठीक है अमेरिका के नेतृत्व वाले एक परियोजना में आ रहे हैं, ब्लू डॉट नेटवर्क में आ रहे हैं, लेकिन पता चला अमेरिका ट्रंप कल मना कर दें, मैं अभी भले से ट्रंप बोल रहा हूं, आपको लिखना नहीं है ट्रंप, आपको लिखना है अमेरिका विश्वसनीयता अब उतना नहीं रह रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसकी विश्वसनीयता घट रही है, रूस ईरान चीन अक्ष बन जाएगा, आप देख ही रहे होंगे अभी क्या हुआ है, लायन एंड ड्रैगन पार्टनरशिप हुआ है, लायन ड्रैगन पार्टनरशिप, ठीक है, रूस और ईरान साथ में है ही, तो ये क्या कह सकता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर भारत क्वाड बनाएगा तो भारत के विरोध में ये भी तो क्वाड बना सकते हैं, रूस ईरान चीन और पाकिस्तान, ठीक है, भारत को काउंटर करने के लिए ये भी तो बना रहे हैं, इवन आप देखेंगे ईरान सॉरी चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी मिल के फिर से एक, अभी आज ही चीन मतलब आज ही न्यूज़ में आया कि चीन ने क्या किया है, बातें की है कि इन चारों देशों को एक स्थान पर लाएगा, तो आप समझ सकते हैं भारत यहाँ पर क्षेत्र में और सारे तो क्वाड क्रिएट हो सकते हैं, चाइना अपना क्वाड बना सकता है, ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता है, और जब भारत क्या करेगा ऐसे चीज़ों में शामिल होगा तो क्या दिखेगा कि भारत एक गुट में जा रहा है, और भारतीय वित्तीय सीमाएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ये दोनों पॉइंट लिंक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम चीन को काउंटर अपने दम पे सीधा सीधा पैसे के दम पे कर पाएं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अलग अलग तरीका, हम बुद्धा कूटनीति यूज़ करेंगे, हम कल्चरल पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे जोर देंगे, हमारे पास और सारे मेथड हैं, हम सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन की बात करेंगे, ये बात आपको दिमाग में समझनी होगी, लेकिन इतनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, आती तो मुझे भी है लेकिन 125 शब्द की बात है, इतना ही लिखना है, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज करूंगा चैप्टर, सीधे निष्कर्ष लिखूंगा, इस प्रकार ब्लू डॉट नेटवर्क में भारतीय भागीदारी को एक संतुलित दृष्टिकोण ईरान रूस जैसे सहयोगियों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए, तो भारत को भागीदारी करनी चाहिए, मेरा सजेशन यही है, लेकिन ईरान और रूस जैसे जो हमारे सहयोगी हैं इनको विश्वास में लेके करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई पॉइंट आपका रह गया हो, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो आप बिल्कुल बताएं, ठीक है। मैंने इसके माध्यम से ये भी प्रयास किया कि जो लोग आंसर लिख रहे हैं डेली बता रहे हैं मुझे, दिखा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, तो मैं उनको भी बता सकूं कि ठीक है, क्योंकि यार वो लोग पैसे देके ज्वाइन किए तो थोड़ा मेरा फ़र्ज है कि मैं उन चीज़ों को भी थोड़ा सा बता सकूं कि उन्होंने ये मिस्टेक्स की है। हालांकि मैं कॉपी पे लिखता हूं चीज़ें वहां पे बताता हूं, लेकिन हो सकता है कई बार लिखी हुई चीज़ें उतनी बढ़िया से समझ में आए जो कि मैं यहां पे बोल के समझा दूंगा, तो ये प्लेटफॉर्म मेरा दोनों काम इकट्ठे कर देगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।